हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस कल इतना बड़ा इवेंट हुआ, प्रभास आए, बुज्जी को रिवील किया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में खटक रही हैं यहाँ पर हिंदी बेल्ट में, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। हम ट्विटर पे जिन लोगों को फॉलो करते हैं या जो बड़े बड़े अपडेट्स देते हैं जो लोग, आई एम सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू सी कि उनकी तरफ से कोई भी प्रमोशन नहीं हो रहा है बुज्जी का। आई डोंट नो व्हाई, रीज़न क्या है उसके बारे में तो बात करेंगे। बुज्जी के ऊपर एक स्पेशल फीचर हुआ है एंड डिटेलिंग ऑफ बुज्जी, प्लस साथ साथ में हम बात करने वाले हैं कि हिंदी बेल्ट में अभी नेक्स्ट क्या चीज़ हो सकती है और क्या थोड़ा सा मुझे लग रहा है, थोड़ा सा जो खतरा मंडरा रहा है उसके बारे में बात करूंगी मैं आपसे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल पर सब्सक्राइब, सबको पता है ऑलरेडी, इट्स अ मेगा सक्सेसफुल इवेंट जिसमें प्रभास का जो स्वैग था, मतलब जो उनका रियल लाइफ स्वैग देखने में मिलता है ना, वो उनकी रियल लाइफ या उनके जो वो सिनेमा पे दिखते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा लगता है। दैट ऑरा इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड सेल्डम हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो जिनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत बड़ा है और उनका उससे भी बड़ा उनका ऑरा है। स्पेशली हम जब बात करते हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की, तो ये तो मैंने आपसे कहा ही अपने पिछले वीडियो में कि भाई दिस इज कॉल्ड तेलुगु सिनेमा, बट आई थिंक ये बात सबसे हजम हो नहीं रही है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ना टॉलीवुड वर्सेज या साउथ वर्सेज बॉलीवुड नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये तो साफ दिखाई दे रहा है यार, ये तो बिल्कुल ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है कि जो इतना बड़ा इवेंट हुआ, इतना बड़ा सक्सेसफुल मेगा इवेंट हुआ है, उस एसेट के बारे में बात नहीं हो रही है। इधर उधर श्रीकांत के जो बॉक्स ऑफिस चल रहा है उसके बारे में बात हो रही है, या कोई और फिल्म जिसका OTT हुआ था प्रीमियर उसके बारे में बात हो रही है, दैट्स गुड। OTT के बारे में बात करो, बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करो, हम भी तो बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कल्कि की, मैं ये देख रही हूँ कि कुछ एक चुनिंदा हैं ऐसे लोग, आई डोंट वॉन्ट टू नेम देम, अगर आप कुछ समझदार हो आप समझ गए होंगे, बट कल्कि को लेकर बड़ी ही ढिलाई मैंने देखी है कि वो उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आता है। और इससे पता है क्या हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे कोई तकलीफ हो गई उससे, बट इफ़ यू सी ऐसी चीज़ों का ना हिंदी बेल्ट में, नॉर्थ बेल्ट में काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम बात करते हैं बड़े ट्विटर क्रिटिक्स की, बड़े ट्विटर सेलिब्रिटीज़ की, तो होता क्या है कि उनका उनके बोलने से या उनके एक बार यू नो एम्फसाइज कर देने से इन द हिंदी बेल्ट एवेन्यूज खुल जाते हैं कई और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाती हैं, सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। वेन इट कम्स टू एन इवेंट लाइक दिस, इट नीडेड दैट काइंड ऑफ पुश, मुझे लगता है कि इस पुश की ज़रूरत थी। मैं आज भी बहुत देर तक इस चीज़ का इंतजार करती रही कि शायद आज कुछ आएगा, शायद आज कुछ आएगा, एब्सोल्युटली नथिंग, साइलेंस फ्रॉम देयर साइड, दैट वॉज शॉकिंग। और मैं यहाँ पे हिमेश की बात नहीं कर रही हूँ, हिमेश ने तो खुद ही कल ही उन्होंने एसेट के बारे में लिखा था ट्विटर पे, बात करी थी। लेकिन यार जैसे अब भी तरण आदर्श एक किसी स्टोरी को लेकर के उन्होंने पिन करा हुआ है अपने ट्विटर पे, उन्होंने लिखा हुआ है इट्स अ गुड डील, आई एम सेइंग इट्स अ गुड डील, बट अभी से कुछ देर पहले श्रीकांत के बारे में बात करी, उससे पहले किसी और फिल्म के बारे में, कोई पंजाबी फिल्मों के बारे में तो अपडेट आ रही है, लेकिन कल्कि की अपडेट कहाँ गई? कल्कि के बारे में कोई अपडेट क्यों नहीं है? दैट्स माई क्वेश्चन एंड आई एम हेयर टू क्वेश्चन, बिकॉज कहीं कहीं पर ऐसा ये फील हो जाता है फिर इन चीज़ों से कि यार ये तो कुछ पार्शियलिटी हो गई है। यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे होते हैं, हम लोग सोच रहे होते हैं कि नॉर्थ में तो प्रमोट करना चाहिए ना फिल्म को, इस फिल्म को साउथ में प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, नॉर्थ में थोड़ा पुश चाहिए। नॉर्थ में जब तक ऐसा पुश नहीं मिलेगा ना जिसको कहते हैं कि मतलब सोशल मीडिया के थ्रू पुश मिल गया, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े क्रिटिक्स उस बारे में बात कर रहे हैं, उससे ऑडियंस में इंटरेस्ट जनरेट होता है एंड ऑफकोर्स इट गिव्स अ ग्रेट ओपनिंग। ग्रेट ओपनिंग अभी भी लग जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि इसकी ओपनिंग नहीं लगेगी, बड़ी ओपनिंग नहीं लगेगी, लग जाएगी, 100% लगेगी। कॉमेंट सेक्शन में मुझसे लोग बोल सकते हैं कि नहीं फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, आई एम श्योर, आई एम ऑल्सो सेइंग दैट 100% ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन मैं मुझे यहाँ पे पार्शियलिटी नजर पे आ रही है, मैं आई कैन नॉट हेल्प बट अनसी इट बट नोटिस इट, बट यू नो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये तो एक बड़ा एक इट वॉज अ ह्यूज डील, कल का इवेंट बहुत बड़ा इवेंट था, और सोशल मीडिया पे एक दो मीडिया पोर्टल्स को छोड़कर कोई बातचीत नहीं हो रही है। अभी बुज्जी के स्पेशल फीचर की जब बात करूंगी तब भी मुझे लग रहा है कि शायद तब भी कुछ आ जाता, अब भी कुछ आ जाता, व्यू काउंट्स चलो हम लोग नोटिस करते हैं, हम लोग ट्रैक करते हैं, वो लोग नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट लुकिंग एट समथिंग सो यूनिक, इतना यूनिक हुआ कल का इवेंट, बट कोई बातचीत नहीं हो रही उस बारे में, ये दुख रहा है थोड़ा। तो चलो बात करते हैं, खैर एनीवेज ऑल सेड डन, मिट्टी पाओ कहते हैं ना, लेकिन अभी इस वक्त पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि बुज्जी का जो रिलीज बुज्जी का जो प्रोटोटाइप हमने कल देखा उसके ऊपर एक स्पेशल फीचर चल रहा है, और ये स्पेशल फीचर एक ऑटोमोटिव पोर्टल ने किया है जहाँ पर उन्होंने पूरा बुज्जी को कवर किया है कि बुज्जी के जो टायर्स हैं, व्हील्स हैं, उन व्हील्स के बारे में बात की गई है कि ये सियाट ने इतने बड़े बड़े ह्यूज ह्यूमंगस इसके जो व्हील्स हैं वो डिज़ाइन किए हैं, एंड दी एंकर यू कैन बी शी कैन बी सीन टॉकिंग अबाउट इट कि इसका इसमें यू डोंट सी एनी मैकेनिज्म ऑफ जो हम नॉर्मल व्हील्स में देखते हैं बुज्जी में, बुज्जी इज स्पेशल, शी इज़ डिफरेंट, उसमें एक तरीके का मैकेनिज्म है जिससे जो टायर्स हैं वो मूव करते हैं, एंड दैट्स नॉट ईजी टू बिल्ड। और प्लस जो पीछे वाला भी टायर जिसके बारे में बात हो रही थी ऑफ बुज्जी, ये बताया गया कि फिल्म में वहाँ पर एक स्फीयर है बिकॉज इट कैन नॉट बी रेप्लीकेटेड
इंजीनियरिंग मार्वल तो फिल्म है लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आ जाते हैं, इसीलिए वहाँ पीछे टायर है, लेकिन आप जब फिल्म में देखोगे, मूवी में देखोगे, एक स्फीयर नज़र में आएगा टू मूव द कार एनीवेयर दे वांट। तो वो चीज़ है। 6 टन का इसका वेट है, 6 टन्स, दैट इज मैसिव मैसिव। और इसके अलावा जो बताया गया बॉडी स्ट्रक्चर बनाया गया विद महिंद्रा ग्रुप एंड जेम, तो जेम मोटर्स साथ में मिलकर इन्होंने इसके ऊपर काम किया है, एंड इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड, जो कि बहुत बड़े बड़े लोग भी बातचीत कर रहे हैं कि बुज्जी जैसा हमने प्रोटोटाइप नहीं देखा, इतना हमने नहीं देखा कि किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए इतना ज़्यादा बड़े स्केल पर कुछ किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट द कलरिंग, द जैसे कल मैं आपसे कह रही थी कि कल शायद मेरे को ऐसा लग रहा था कुछ कुछ बैट मोबाइल जैसा होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट था, तो वो भी क्लैरिटी दी गई है कि इट इज मेंट टू बी दैट डिस्टोपियन फ्यूचर वाली कार, दैट्स व्हाई वी सी इट इन अ डिफरेंट ऑफ अ डिफरेंट बॉडी ऑल टुगेदर। इस कार के रियर में एक और चीज डिस्क्लोज की गई कि रियर में एक ऐसा स्पेस बनाया गया जहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाने वाला है। अब ये क्या ट्विस्ट है प्रिजनर वाला यहाँ पे, क्योंकि ये तो भैरव का व्हीकल है, भैरव प्रिजनर क्यों रखेंगे? अब क्या है क्या नहीं है हमको मूवी में पता चलेगा, लेकिन बहुत कुछ है फिल्म में एक्सप्लोर करने वाला। उसी एक 56 सेकंड वाले टीजर में ही हमने बहुत कुछ देखा था, जो कि मतलब टेक्निकली मैकेनिकली आपको देख के लगेगा भाई ये कैसे बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, साईफाई साथ में डिस्टोपियन फ्यूचर, ऑल ऑफ दैट सेड एंड डन। सो आई थिंक इट इज़ अ ह्यूज एसेट, और इसके बारे में बात जितनी करो उतनी कम है, और इसको तो ज़्यादा ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए यार, ये होनी चाहिए थी प्रमोट, ये लैग रह गया, ये लैप्स रह गया, तो मेरे हिसाब से तो ये क्रिटिकल है, इसको बोलना चाहिए हमें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होनी चाहिए ये मूवी इन द नॉर्थ, आई वुड से सो। बट लेट्स इवन अगर हम उसकी तरफ ध्यान ना भी देना, अभी अगर हम बुज्जी की तरफ ध्यान दें तो देख के ही समझ में आ जाता है भाई फाड़ेगी ये जब आएगी ना सामने, और जब हम इसको स्क्रीन पे देखेंगे ये 100% फाड़ने वाली है लोगों की। अभी देखते हैं आगे चल के और क्या एसेट्स आते हैं। आज मुझे थोड़ा सा उम्मीद कम है कल, लेकिन कल या परसों जब भी फिनाले होने वाला IPL का मुझे लगता है उस टाइम पे कुछ आएगा। मैंने आपसे सुबह भी एक बात कही थी कि अगर पुष्पा का सॉन्ग कल में आ जाता या अभी आने वाले टाइम में 2-4 दिनों में आ जाता तो मुझे लगता है कि एसेट ऑफ कल की आता उसके बाद, लेकिन अब ऐसा लग रहा है 29th को वो सॉन्ग आएगा, तो अब ऐसा लग रहा है कि 4-5-6 दिन का 7 दिन का एक अच्छा टाइम है बीच में, इस टाइम में 100% कल की कोई बड़ी अपडेट लोड हो रही है। आपको क्या लगता है अब क्या कुछ आना चाहिए? मेरे हिसाब से अब आना चाहिए प्रिल्यूड या फिर सॉन्ग। व्हाट यू हैव टू से लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट थैंक्स फॉर वाचिंग।